नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न एट होम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। मतलब नाउन या नाउन फ्रेज की जगह पे जिस वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, राम इज अ डॉक्टर एंड ही लिव्स इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, राइट? तो एक बार हमने राम यूज़ किया, राम इज अ डॉक्टर। सेकेंड टाइम उसका फिर से रिपीटेशन ना हो इसलिए राम की जगह पे ही यूज़ किया, ही लिव्स इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के थ्री टाइप्स है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट को ही विथ प्रोनाउंस से चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हिम, एंड फॉर पजेसिव, मतलब कोई चीज़ पजेस करना, कोई चीज़ उनके पास होना, उसको बोलते हैं पजेसिव, फॉर एग्जाम्पल हीज। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस। ओके, तो प्रोनाउंस यूज करने के लिए कुछ रूल्स है। तो उसमें से रूल नंबर वन है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस रहता है तो उसमें क्या क्या रहता है, एक तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पे क्रिया हो रही है, और वर्ब मतलब एक्शन, वर्ब यानी एक्शन। तो जब सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल डैश डैश इज अ लॉयर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, जो डैश डैश है, राइट, एंड ऑब्जेक्ट इज लॉयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही और शी, ही इज अ लॉयर और शी इज अ लॉयर, राइट। सी और ही इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, that's why it is called as subject pronoun. I, he, she, we, they, who, whoever, etc. are subject pronouns. अभी और कुछ example दिए हैं subject pronouns के। She lost weight by cutting out junk food. तो यहाँ पे कौन सा subject pronoun है, she, जो इस sentence का subject है। He kicked the ball so hard that his shoe came off. यहाँ पे subject है he और वहाँ पे pronoun use किया है। It is raining again. तो यहाँ पे क्या subject है, it is raining again. Rule number टू है, subject pronouns are also used if they rename the subject. They will follow to be verbs such as is, are, was, were, am, will be, had been, etc. Okay? So for example, it is he. Is मतलब to be verb हुआ, is, was, ये to be verbs है, उसको जब pronoun follow करता है तब हम लोग subject pronoun use करते हैं, right? तो it is he, मतलब he subject pronoun, to be मतलब is के बाद आ रहा है। This is she speaking, तो इसके बाद आ रहा है तो शी। इट इज वी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टू डाउन साइज। यहाँ पे भी इसके बाद आ रहा है तो हम लोग वहां पे वी यूज कर रहे हैं। रूल नंबर थ्री, व्हेन हु रेफर्स टू ए पर्सनल प्रोनाउन, आई, यू, ही, शी, वी, दे, इट टेक्स द वर्ब दैट एग्रीज विद दैट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल इट इज आई हु एम सॉरी। वेन और हु रेफर्स टू पर्सनल प्रोनाउन को जब वो रेफर करते हैं, वेन और हु, तब हम लोग वहाँ पे आई, यू, ही, शी, वी, दे यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इट इज आई मतलब पर्सनल प्रोनाउन को रेफर कर रहा है, हु एम सॉरी मतलब उसको बोलना है कि आई एम सॉरी, इट इज यू who are mistaken, मतलब जिसको हमने mistaken ले लिया, you are mistaken by us, ऐसे बोलना है। Rule number 4, an object pronoun
अभी तक हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन देखा था, अभी है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन दैट इज नॉर्मली यूज एज ऑब्जेक्ट. मतलब जो सेंटेंस रहता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट की जगह पे जब हम लोग प्रोनाउन यूज करने वाले हैं तब उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. आइदर एज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, दोज प्रोनाउन्स ऑलवेज टेक द ऑब्जेक्टिव केस. तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के केस में आई, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई रहता है, दैट बिकम्स मी, यू बिकम्स यू, ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, इट बिकम्स इट, वी बिकम्स अस, दे बिकम्स दे. फॉर एग्जाम्पल, गौरव सॉ हिम. ओके, जो एक थर्ड पर्सन है उसको गौरव ने देखा, तो गौरव सॉ हिम. राहुल वॉन्ट्स टू टॉक टू यू अबाउट यूअर होमवर्क. ओके, हियर द सब्जेक्ट इज राहुल. विथ हुम राहुल वॉन्ट्स टू टॉक? यू. यू इज द ऑब्जेक्ट. ओके, द स्पाइडर बीट मी ऑन माई एंकल. तो यहाँ पे बीट मी, मी यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. आर यू टॉकिंग टू मी? तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते टाइम पे उसका फॉर्म चेंज हो जाता है. अभी रूल नंबर 5, द प्रोनाउंस हु दैट विच बिकम सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज अ सिंगुलर वर्ब, इफ इट इज प्लूरल यूज अ प्लूरल वर्ब. जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर रहेगा तो हमें सिंगुलर यूज करना है वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो प्लूरल यूज करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज द ओनली वन ऑफ दोज मैन हु इज ऑलवेज ऑन टाइम. मतलब इतने सारे मैन में से ही इज द ओनली वन, सिंगुलर राइट, ऑफ दोज मैन हु इज, यहाँ पे इज हुआ यूज राइट, हु इज अवर प्रोनाउन, हु इज ऑलवेज ऑन टाइम. ओके, वही अगर सपोज देर आर मोर देन वन मैन हु आर ऑलवेज ऑन टाइम, वो कैसे हम लोग बोलेंगे? ही इज वन ऑफ दोज मैन. यहाँ पे ओनली वन नहीं है, वन ऑफ दोज मैन मतलब मोर देन वन है ऐसे लोग. ही इज वन ऑफ दोज मैन हु आर ऑलवेज ऑन टाइम. दोनों जगह पे हु ही एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में सिंगुलर है इसलिए हु के बाद इज यूज हुआ है. सेकेंड सेंटेंस में मोर देन वन है, प्लूरल है, इसलिए हु के बाद आर यूज हुआ है. रूल नंबर 6, प्रोनाउंस दैट आर सिंगुलर, फॉर एग्जाम्पल आई, ही, शी, एवरी वन, एवरी बडी, एनी वन, एनी बडी, नो वन, नो बडी, सम वन, सम बडी, ईच, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा, रिक्वायर सिंगुलर वर्ब. ओके, ये जो भी सिंगुलर प्रोनाउन है वो सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द गर्ल्स, मतलब बहुत सारी गर्ल्स है लेकिन उसमें से हर कोई, मतलब एक एक सिंगल 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 गर्ल, सिंग्स वेल, सिंग्स वेल, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ. आइदर ऑफ अस, मतलब दोनों में से एक, आइदर ऑफ अस इज कैपेबल ऑफ डूइंग द जॉब. ओके, आइदर ऑफ अस मतलब दोनों में से एक तो सिंगुलर हुआ इज, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हुआ, वर्ब यूज हुआ, इज कैपेबल ऑफ डूइंग द जॉब. नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल टू स्पीक राइट नाउ, मतलब दोनों में से एक भी नहीं, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है. रूल नंबर 7, द पजेसिव प्रोनाउंस यूअर्स, हीज, हर्स, इट्स, अवर्स, देयर्स एंड हुज नेवर नीड अपोस्ट्रोफी. ओके, मतलब कोई भी चीज हम लोग पजेस करते हैं वो दिखाने के लिए जब हम लोग ये प्रोनाउंस यूज करते हैं, यूअर्स, हीज, हर्स, इट्स, अवर्स, देयर्स एंड हुज, दे नेवर यूज अपोस्ट्रोफी. फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन इज यूअर्स. ओके, डिसीजन कौन लेगा? यूअर्स, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा. द वॉइस वॉज नॉट
हर्स, इसका वॉइस नहीं है हर्स, तो हर्स इज वहां पे अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। इन अ वर्ड एवरी स्टडी हैड इट्स ऑब्स्टेकल्स, यहाँ पे इट्स है पजेसिव प्रोनाउन। रूल नंबर 8, प्रोनाउंस दैट एंड इन सेल्फ और शेल्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो भी प्रोनाउन विथ सेल्फ और शेल्स से एंड होते हैं उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं। देर आर 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, आवर सेल्स, यूअर सेल्स एंड देम सेल्स। तो यहाँ पे जो सिंगुलर प्रोनाउंस है माई, यू, हिम, हर, इट, उसके साथ सेल्फ आता है, और जो प्लूरल फॉर्म वाले हैं अवर, यूअर, देम, उनके साथ सेल्व्स आता है। तो इसके एग्जाम्पल है राहुल बॉट शूज फॉर हिमसेल्फ, ओके, तो ये हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ फिनिश द होल जॉब, यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रूल नंबर 9, व्हेन अ प्रोनाउन इज लिंक्ड विथ अ नाउन बाय एंड, ओके, जब नाउन के साथ वो बाय एंड से लिंक हुआ रहेगा तो मेंटली रिमूव द एंड प्लस नाउन फ्रेज टू अवॉइड ट्रबल, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल शी एंड हर फ्रेंड केम ओवर, तो यहाँ से हम लोग शी जो प्रोनाउन है यहाँ पे उसको रिमूव करके उसकी जगह पे हर यूज कर रहे हैं, शी एंड हर फ्रेंड। आई इन्वाइटेड हिम एंड हिज वाइफ, तो हर हिज आर प्रोनाउंस हियर। रूल नंबर 10, इफ टू पीपल पजेस द सेम एटम, मतलब सेम एटम दो पीपल ओन करते हैं, एंड वन ऑफ द जॉइंट ओनर इज रिटन एज प्रोनाउन, यूज द पजेसिव फॉर्म फॉर बोथ। फॉर एग्जाम्पल श्वेता एंड माई होम, मतलब जो घर जो श्वेता और मेरा दोनों का है, तो श्वेता एंड माई, तो यहाँ पे माई पजेसिव फॉर्म है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट वर्ब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।